Friends, welcome to Tech Boss. Today in this video I am going to tell you what is DSLR and how it works and इसमें इतना महंगा क्या होता है. तो दोस्तों कि इतने दिनों से गिवअवे के बाद कोई वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मेरा बैक पेन काफी दर्द होता था. अभी बहुत पेन है इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था. आज मेरे को थोड़ा सही लगा तो मैं वीडियो बनाया. तो अब गिवअवे की बात आई है तो एक सेकंड DSLR बना के रखता हूँ. गिवअवे पे आता हूँ कि गाइस एक गिवअवे चल रहा है इन दोनों का. एक VR बॉक्स का, VR बॉक्स 2 900 कॉस्ट वाला और एक 200 कॉस्ट वाला VR बॉक्स 2 कंट्रोलर. अगर आप इनको जीतना चाहते हैं तो इनके लिए मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बना रखी है. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जाइए उस वीडियो को चेक करिए, उसमें एंटर करिए. उसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, मेरे सारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना है. यही करने से आप और उस वीडियो पे कमेंट करना है. कुछ भी एक साथ करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. आपको यही करना है और मैं अपने इंस्टाग्राम पे रिजल्ट्स दूंगा फिक्स 2 हफ्ते बाद. सो अब आते हैं वीडियो पे. तो वीडियो ये है DSLR. अब आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं वो होता है कि ये इतना महंगा क्यों होता है. तो गाइस सबसे ज्यादा महंगी चीज होती है पूरे DSLR में ये लेंस. ये जो आप लेंस देख रहे हैं इतना बड़ा सा सबसे महंगा ये होता है. मेरा ये DSLR कुछ 290,000 का है फिक्स और 290,000 का 3 लाख का मेरा बजट था तो मैंने ये ले लिया. तो अब उसमें सिर्फ ये अकेला लेंस 1,80,000 का है. मतलब 1,80,000 का ये है, सिर्फ 1 लाख का नीचे का सब. लेकिन 1,80,000 का तो ये है. अब इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्या है गाइस, ये जो लेंस है यही है इस कैमरे की सबसे बड़ी बात. आप देख सकते हैं तो अच्छा खासा रिफ्लेक्शन दे रहा हूँ मैं. यही है सबसे बड़ी बात क्योंकि ये लेंस में 48 मेगापिक्सल अपर्चर 1.8 का आता है. DSLR में अभी तक अपर्चर 1.18 ने सबसे ज्यादा अच्छा है. वैसे बाहर तो अब्रॉड में अपर्चर 1.6 भी है लेकिन इंडिया में अपर्चर 1.8 ही DSLR में सबसे अच्छा है. फोनों में तो काफी अलग तरीके आते हैं लेकिन अभी हम DSLR की बात कर रहे हैं. तो अब इस DSLR में ये क्यों अच्छा है, एक तो इसके मेगापिक्सल इतने ज्यादा है और इसमें फुल आप देख सकते हैं कांच है, फुल कांच है और ये काफी हैवी भी होता है. अब जूम भी इससे ही होता है. ये देखिए अब ये आगे बढ़ेगा तो जूम करेगा. फोकस भी इससे ही सेट होता है अगर आप मैनुअल पे रखते हैं तो इस तरीके से DSLR काम करता है. अब चलो मान लिया कि ये इतना महंगा है लेकिन ये पूरा सेटअप इतना महंगा क्यों है. अब आप गाय एक बार सोचिए कि उनको तो इतना महंगा थोड़ी पड़ता है. जैसे मैंने 2,90,000 का पड़ा खरीदा तो उनको तो कम से कम इसको बनाने में मुश्किल से 1,00,000 रुपये लगे होंगे. लेकिन वो इस पर उनने कितने एक्सपेरिमेंट किए इसको बनाने में, उस पर भी तो पैसे जाते हैं. कितनी बार टूटा होगा, इतने कितनी बार बनाए होंगे तो उस पर ही पैसे जाते हैं. ऑफकोर्स इसके मेंटेनेंस पे पैसे जाते हैं. इसका जो भी वो जो पैकेट देते हैं साथ में उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कम से कम 20-25,000 की उसमें भी होती हैं, उसमें भी पैसे जाते हैं. तो इसलिए यहाँ पर इतना महंगा पड़ जाता है. और ये नीचे वाले इससे कुछ ज़्यादा खास नहीं है. एक ये फ्लैश काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है और एक ये मैनुअल, एक यहाँ पे ये फ्लैश है जो अभी ओपन नहीं हो रहा. एक ये मैनुअल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो देख रहे हैं आप. और ये एक स्क्रीन काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है. देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी की, टूटती नहीं हुई. वैसे टूट जाएगी लेकिन ऐसे नॉर्मली टूटेगी नहीं गिरने से. और ये इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं. और एक और चीज़ जो इसमें थोड़ी महंगी है वो है इसकी बैटरी क्वालिटी. वो लगभग 30,000 की बैटरी है. इतनी सी बैटरी है 2,500 mAh की. ये अकेली बहुत महंगी है गाइस. तो आप जब भी DSLR खरीदें तो एक बार वीडियो देख लेंगे तो आप लोग ज़्यादा सही रहेंगे. और उस गिवअवे के लिंक को भी देख लीजिए. तो ये है DSLR गाइस. ये बड़ी बड़ी जैसे निकॉन का ये बड़ी बड़ी कंपनी है, अपन को लूटती नहीं है. आप उनको समझ रखा है इंडियन की मेंटलिटी ऐसी है. लेकिन ये DSLR बहुत अच्छा है. मैंने ही नहीं सोचा लेकिन मैंने इसको ले लिया. अब मैं क्या काम आता है DSLR, तो हर इवेंट में मेरे को काम आता है DSLR. मैं अपनी वीडियो इससे बनाता हूँ. अभी तो मेरे पास मैं फोन से बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरे हाथ में है इसलिए इससे बनाता हूँ. और भी काफी तरीके होते हैं DSLR यूज लेने के. आप अलग अलग अगर आप फोटोग्राफर हैं तो उसके लिए DSLR काफी अच्छा है. ये DSLR है निकॉन का D810 है. इसकी कॉस्ट इन द मार्केट 2,90,000 है. और अगर आप बिना इस लेंस के लेंगे तो 1 लाख फिक्स है इस वाले की. और साथ में ये 1,80,000 का ये लेंस है. तो गाइस ये थे एक DSLR के लिए अलग वीडियो. सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस DSLR and this giveaway video, please give a thumbs up. If you have any question, please know me in the comment section below. And don't forget to subscribe my channel because I am giving you more tech videos daily. And don't forget to see this video. The link is in description. So guys, Jai Hind, Vande Mataram.